सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है क्रॉसबिट ऑर्बिट और स्मार्ट वॉच जो आता है काफी प्रीमियम एंड अमेजिंग लुक के साथ। यहाँ पे आपको मिलता है 1.46 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 9H ग्लास हार्डनेस। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी मिलता है। तो करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और देखेंगे प्राइस के हिसाब से क्या ये सही है या नहीं। और हाँ, ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है क्रॉसबिट ऑर्बिट ओरा स्मार्ट वॉच। यहाँ पे आपको मिलता है अमेजिंग 1.46 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग 5.3, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे सपोर्ट करता है मल्टीपल वॉच फेसेस, 9H हार्डनेस ग्लास जो है वो भी मिलता है, फोर्थ जनरेशन हार्ट रेट सेंसर, क्राउन की जो है वो वर्किंग रहेगा एंड AI वॉइस असिस्टेंट के साथ आएगा। काफ़ी सारे कलर्स के अंदर ये अवेलेबल है। सभी का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स जो है वो ओपन होता है और देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है हेलो नमस्ते कार्ड, जहाँ पे आपको 1 ईयर वारंटी एंड एडिशनल 6 मंथ वारंटी मिल जाता है। फ्री स्क्रीन गार्ड के लिए यहाँ पे QR कोड है जहाँ से आप स्क्रीन गार्ड को आप अवेल कर सकते हो। यूज़र मैनुअल के लिए यहाँ पे आपको एक QR कोड भी मिलता है। और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिलता है हमारा स्मार्ट वॉच। सो यहाँ पे है डायल, इसको यहाँ पे निकल देते हैं। और जो स्ट्रैप्स है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं अल्ट्रा की तरह, तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रैप्स है वो भी मिल जाते हैं। तो इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको 2 पिन वाला मैग्नेटिक चार्जर जो है USB पावर वो मिल जाता है। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। अगर बात करें यहाँ पे लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 9H ग्लास का जो हार्डनेस है वो यहाँ पे मिल जाता है, मेटालिक फ्रेम मिलता है और पीछे यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लियरली मेंशन एमोलेड स्मार्ट वॉच, चार्जिंग डॉट्स एंड यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर जो है वो दिख जाएगा। जो क्राउन की है वो वर्किंग है और यहाँ पे आपको और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी बटन जो है वो मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल एंड माइक का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। सो स्ट्रैप्स को यहाँ पे लगा देते हैं। बात करें यहाँ पे डिस्प्ले साइज को लेके, तो यहाँ पे आपको 1.46 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिलता है 454x454 का विथ 1000 निट्स ब्राइटनेस, जो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। वन मोर अमेजिंग, यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो सपोर्ट है वो भी मिलता है। अगर आप वॉच को यूज़ नहीं करते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे शो करता है, तो ये वाला जो है आपको मिलेगा डिजिटल के अंदर। आप इसे चेंज कर सकते हो, सेटिंग के अंदर यहाँ पे जा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन क्लॉक, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एनालॉग। तो आगे जो सिलेक्ट किया था वो था डिजिटल क्लॉक जो हमने आगे चेक किया। सेकंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो ऑप्शन है वो है एनालॉग क्लॉक। तो चेक करते हैं यहाँ पे एनालॉग क्लॉक जो है वो कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको एनालॉग क्लॉक जो है वो दिख जाएगा। आप इसे यहाँ पे जाके क्लोज भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ करते हो तो बैटरी कंजप्शन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे बिल्ड क्वालिटी, लुक, डिज़ाइन काफ़ी सही लगा एंड स्क्रीन की क्वालिटी जो है भाई एमोलेड और वो भी 9H हार्डनेस के साथ वो काफ़ी अमेजिंग लगी। तो लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। आपको एक प्रीमियम मेटालिक फिनिश मिलता है और वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। वन मोर थिंग, जो रेस्ट टू वेक फंक्शन है कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉच, ये मुझे काफ़ी क्विक लगा। और यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट तो मिलता ही है। पहली बार यहाँ पे अगर आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो आपको एक यहाँ पे QR कोड मिलता है फ्रॉम द बॉक्स, उसको यहाँ पे आपको स्कैन करना है और एप्लीकेशन जो है वो है CB Fit Pro, उसको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। उसके बाद ओपन करके आपको जाना है टू ऐड में, सारी परमिशन यहाँ पे आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च के अंदर दिख जाएगा CB Aura, तो यहाँ पे टैप करना है एंड दैट्स इट। ये कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल के साथ, जो काफ़ी ईजी है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप वॉच फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप इसे यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है वो मिलता है। फेस गैलरी के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो क्लाउड वॉच फेसेस है, मोर देन 200+ यहाँ पे आपको क्लाउड वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है वो दिख जाता है। और सारे के सारे जो वॉच फेसेस है काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको जो लुक है वो प्रोवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पे कोई भी वॉच फेस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ट्रांसमिट होता है आपके वॉच के अंदर
और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है, जो मुझे एकदम ही सही लगा। तो यहाँ पे हमने वॉच फेस को ट्रांसफ़र कर दिया है और एमोलेड के अंदर यहाँ पे जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का आता है, आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन को यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए टर्न ऑन या तो फिर टर्न ऑफ कर सकते हो। शटर कंट्रोल, ई कार्ड, फेवरेट कॉन्टेक्ट, जहाँ पर आप क्विक डायल कर सकते हो। यहाँ पे अदर्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फाइंड माई डिवाइस, टाइम फॉर्मेट, यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड, रेस्ट टू वेक और काफ़ी सारे यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वेदर अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगी, अगर फीमेल है तो उसके लिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल साइकिल जो है वो भी मिल जाएगा। अपडेट के अंदर यहाँ पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो ओवरऑल यहाँ पे जो एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो काफ़ी अमेजिंग है। होम के अंदर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, आउटडोर रनिंग, सारे डेटा एक साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आउटडोर रनिंग को सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे गूगल मैप के अंदर भी इसको यहाँ पे ट्रैक आउट कर पाओगे। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो GPS अवेलेबल है, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो GPS का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे एकदम ही सही लगा। एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वॉच के अंदर भी यहाँ पे ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई एकदम ही गजब वाला यहाँ पे आपको एक्टिविटी विथ GPS ट्रैकिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप क्विक कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मीडिया ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन कॉल को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स ऐड किए हैं तो आप यहाँ से क्विक डायल भी कर सकते हो। अगर आप जाते हो मेनू के अंदर तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ोन के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसेंट कॉल, डायल पेड एंड फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ यहाँ पे आपको एक बेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिल जाता है। सो हमने यहाँ पे टेस्ट किया था, जो स्पीकर का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अमेजिंग है और यहाँ पे जो माइक्रोफोन का क्वालिटी है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग निकल के आता है। यहाँ पे आपको फोर्थ जनरेशन हार्ट रेट सेंसर जो है वो मिल जाता है और यहाँ पे मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा। अगर आप इसे वियर नहीं करते हो तो ये डिटेक्ट नहीं करता है, यानी कि इसका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अमेजिंग है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सेंसर ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप पीछे इसे प्लेस करोगे तो जो सेंसर है वो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो है स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हो, SpO2 को भी मेज़र कर सकते हो, स्ट्रेस एनालिसिस जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अमेजिंग यहाँ पे आपको जो सेंसर का सपोर्ट है वो मिल जाता है। तो ये परफेक्ट यहाँ पे आपको मिलता है वर्कआउट पार्टनर साइड पे, यहाँ पे आपको वर्कआउट की जो है वो मिल जाता है। जैसे वन टाइम प्रेस करोगे एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे हमने आगे एप्लीकेशन में चेक किया, आपको यहाँ पे GPS का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। सपोज आप यहाँ पे वॉकिंग को प्रीफर करते हो तो काउंटडाउन स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन है वो दिखाई देगा, कितने स्टेप्स, कितने कैलोरी, एवरेज हार्ट रेट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो सारे डेटा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, कंटिन्यूस आपका जो हार्ट है वो यहाँ पे ट्रैक होता है। यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे जो डेटा है वो सेव हो जाता है आपके स्मार्ट वॉच के अंदर, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। बजट फ्रेंडली प्राइस में यहाँ पे आपको वन मोर अमेजिंग फीचर मिलता है और वो है AI वॉइस असिस्टेंट। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर और काफ़ी क्विकली ये कमांड को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो शो करता है। तो AI वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग वाला मिल जाता है। आपको काफ़ी सारे मेनू स्टाइल जो है मिल जाते हैं, जैसे कि हमने लिस्ट व्यू सिलेक्ट किया था, आप इसे चेंज भी कर सकते हो और आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो मेनू स्टाइल है वो सेट कर सकते हो। जो एप्पल का हनीकॉम मेनू आता है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और काफ़ी क्विकली ये वर्क करता है। तो मेनू स्टाइल यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के मिलते हैं और वो भी काफ़ी स्मूथ OS के साथ। दोस्तों अगर बात करें हम अदर एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पे आपको स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, वेदर अपडेट, स्ट्रेस एनालिसिस, शटर कंट्रोल, यहाँ पे आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो और आपको AI वॉइस असिस्टेंट तो मिलता ही है। मोर के अंदर यहाँ पे आपको टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, साइकिल ट्रैकिंग, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। होम स्क्रीन के ऊपर अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको शॉर्टकट जो है वो मिल जाता है। यहाँ से राइट स्वाइप से भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे। मेनू बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मेनू यहाँ पे ओपन होता है और काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे स्वाइप अप करते हो तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ OS है और काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे विडजेट को भी ऐड कर सकते हो।
अगर क्राउन को रोटेट करते हो तो जो वॉलपेपर है यानी कि वॉच फेसेस है वो भी यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको साइड के अंदर एक बटन की मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको वर्कआउट के लिए डेडिकेटेड एक की मिलता है, तो जैसे प्रेस करोगे वर्कआउट जो है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और साथ में आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अमेजिंग फीचर जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको USB पावर्ड मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाता है। ये फटाक से आपके वॉच के पीछे चिपक जाता है, जैसे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बैटरी लाइफ की बात करें, अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करते हो तो 1 से 2 दिन का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको 5 to 7 days का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात करें UI एंड मेनू को लेके, तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको स्मूथ UI जो है वो मिलता है, और एनिमेशन जो है भाई एकदम ही स्मूथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो लैग फ्री यहाँ पे आपको जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे मिल जाता है, और एकदम ही स्मूथ UI आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बात करें यहाँ पे वर्डिंग में, तो भाई वॉच को यूज करके काफी मजा आया। यहाँ पे आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 1.46 इंच का विथ ऑलवेज ऑन सपोर्ट, जैसे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ग्लास हार्डनेस जो है वो 9H जो है वो मिल जाता है। काफी अमेजिंग लगा ये। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलता है विथ वर्जन 5.3, और काफ़ी अमेजिंग एंड एक्यूरेट वाले यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच, और वो भी काफ़ी परफेक्ट बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।